हेलो दोस्तों, देसी कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एमपी टेट प्राइमरी शिक्षक भर्ती के रिलेटेड। और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो पीबी ने अपने पिछले एग्जाम्स में पूछे हैं, वही सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको आज ले करके आया हूँ। और इसी तरह की कई सारी क्लासेस आपको मिलेंगी जिनमें पीबी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर आपको रिवाइज कराऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से हमें वो करना है। तो चलिए आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस आज हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो पहला सेंटेंस है दोस्तों, वो है आपका द फेमिनाइन जेंडर ऑफ टाइगर एज। टाइगर का हमें बताना है फेमिनाइन जेंडर क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है टी सी टाइगर, टाइग्रेस, टाइगरी एंड टाइग्रेस। तो दोस्तों जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी टाइग्रेस, टी आई जी आर ई डबल एस, ये इसका फेमिनाइन जेंडर होता है। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि जेंडर इंग्लिश में चार तरह के होते हैं, होता है मैस्कुलिन जेंडर, एक होता है फेमिनाइन जेंडर, एक है आपका न्यूट्रल जेंडर एंड लास्ट है कॉमन जेंडर। तो इस तरह से आपकी चार तरह की जेंडर होती है। नेक्स्ट है दोस्तों सेंटेंस, वो है हमारा द प्लूरल ऑफ चाइल्ड एज। चाइल्ड का हमें बताना है प्लूरल। ऑप्शन है चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन, चाइल्ड्स एंड चाइल्ड्रेन। तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है ना, तो चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है चिल्ड्रन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों वो है डैश इज द साइलेंट लेटर इन नी। नी में साइलेंट लेटर बताना है। तो जब भी दोस्तों कोई स्पेलिंग आपकी के एन से स्टार्ट होती है उसमें हमेशा के होता है आपका साइलेंट, याद रखिए। तो यहाँ पर जो साइलेंट लेटर है वो है के, तो यानी कि ए आपका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ इंक्लूड। इंक्लूड का अपोजिट बताना है। तो इंक्लूड का अपोजिट होता है दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन में से जो भी है वो एक्सक्लूड, यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन होगा, इंक्लूड का अपोजिट एक्सक्लूड। ओके, नेक्स्ट है पिक आउट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर ओड वर्ड बताना है कि क्या है, जैसे पेन, चेयर, बोतल एंड इंक। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन है पेन, चेयर, बोतल और इंक में से कौन सा ओड वर्ड होगा। तो दोस्तों देखिए, तो जो आपकी चेयर है वो आपका ओड वर्ड होगा, यहाँ पर चेयर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड एम्पल, अबॉर्ड, एंजाइटी एंड अपेटाइट। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिस तरह से हम डिक्शनरी में मीनिंग्स फाइंड आउट करते हैं ठीक आपको उसी तरह से यहाँ पर देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है ना, अल्फ़ाबेट में ए हो गया, फिर ए के बाद आपका बी आता है, ए बी इन सभी में है ना। अब यहाँ पर सेकेंड वर्ड में देखें एम्पल में ए एम ए एन, अब एन पहले आता है, एम पहले आता है या एन पहले आता है, ठीक है, तो क्या आएगा, एम पहले आएगा, तो आपका अभी ऊपर वाला ही चल रहा है। फिर आता है ए पी, अब देखिए कि अब क्या आएगा, तो ए एम एम्पल, अब यहाँ इन दोनों में आ गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो क्रम है वो टूट गया है, इन दोनों में टूटा हुआ है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वन वाला। तो ये हो रहा है करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज डैश एस टी यू, यहाँ पर फिल करना है आर्टिकल एन, सॉरी ए एन द या नन ऑफ द एबव। तो जो एस टी यू है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, और आर्टिकल हम क्या देखते हैं कि जब भी हमारा कोई वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो उससे पहले आपको एन आर्टिकल लगाना होता है। तो यहाँ पर जो एस है उसको जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो इस तरह से प्रोनाउंस होता है ए, और ए किससे बनता है, ई से, और ई क्या होता है आपका वॉवेल होता है। तो एस टी यू भी आपका वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट फिल किया जाएगा एन। दाजा यूज इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि जब भी हम ये बताते हैं कि कौन कोई व्यक्ति क्या है, व्हाट इज हिज प्रोफेशन है ना, हिज और हर प्रोफेशन, तो प्रोफेशन बताने के लिए आपको आर्टिकल ए एन का यूज करना होता है, ना कि दाजा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट दोस्तों अपना सेंटेंस, ये मिस्टर वर्मा इज सीनियर डैश मी, यहाँ पर आपको फिल करना है देन, टी एच ई एन, टी एच ई एन, टू और ओ। तो यहाँ पर क्या है कि आप याद कर लीजिए, या आपकी कंपेरेटिव डिग्री लिखी हुई है, जिस वर्ड में सीनियर हो, जूनियर हो,
सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, ठीक है, एस्टीरियर हो, तो इस तरह की जितने भी हमारी डिग्री होती हैं उनके बाद हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। आप याद कर लें, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, एस्टीरियर टू, इस तरह से आपका टू प्रपोजिशन यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आएगा टू और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जाएगा सी। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका, डैश इज द साइलेंट लेटर इन नी, ये हो चुका है, और नी में साइलेंट लेटर कौन सा है, ए है आपका, ठीक, ये भी आपका हो चुका है। हाँ, नेक्स्ट है एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ये आपका दोस्तों वन वर्ड में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। वन वर्ड बताना है कि ऐसे जानवर जो पानी पर भी रह सकते हैं और पृथ्वी जमीन पर भी रह सकते हैं, उसे क्या कहेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि आप इसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन है एम्बिगुअस, एम्फीबियन, एमोर्फस एंड एम्बीवेलेंट। तो दोस्तों क्या होता है कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस है द राइमिंग वर्ड ऑफ साइन, साइन का राइमिंग वर्ड बताना है। तो राइमिंग वर्ड क्या होते हैं कि इसी साउंड में आपको नया वर्ड देखना है, दूसरा वर्ड क्या है, साइन नून नहीं है, साइन डार्क नहीं है, साइन नाइन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, साइन नाइन आपका ये राइमिंग वर्ड है, यानी ले वाले सेम ले वाले शब्दों को, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट है आपका द नाउन फॉर्म ऑफ द ग्रेट, ग्रेट का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो नाउन है दोस्तों आपका एडजेक्टिव, याद रखिए, और कुछ एडजेक्टिव में एन ई डबल एस लगा करके उन्हें क्या बना देते हैं, उन्हें बना देते हैं हम अपना नाउन। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ग्रेट, ग्रेटनेस। ओके, याद भी कर लीजिए, एल ई डबल एस होता है तो एडजेक्टिव बनता है, एफ ई डबल एल होता है तो भी एडजेक्टिव बनता है। नेक्स्ट है टू स्मेल ए रैट मीन्स, तो दोस्तों ये लिखा हुआ है आपका ईडियम, और ईडियम को कहते हैं मुहावरा। आपको इस तरह से एम्पिटेड वर्क तीन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह से आप याद कर लीजिए। टू स्मेल ए रैट, स्मेल ए रैट मतलब होता है संदेह करना किसी पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, टू डिटेक्ट बैड स्मेल, टू मिसअंडरस्टैंड, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, टू सी क्लियर मीनिंग। तो मैंने क्या कहा, टू स्मेल ए रैट मतलब होता है किसी का संदेह करना, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, किसी चालाकी पर संदेह करना किसी बात पर, तो क्या रैट कहते हैं, टू स्मेल ए ट्रिक रैट्स। ओके, तो ये आपका है ईडियम मुहावरा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लाइक स्वीट्स, द करेक्ट निगेटिव सेंटेंसेज, आपको ये निगेटिव बताना है, सही निगेटिव फॉर्म इसका क्या होगा। तो सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब भी हम निगेटिव बनाते हैं डू नॉट और डाई नॉट के साथ बनाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है डू, तो आई डू नॉट लाइक स्वीट्स, तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ नो इज, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आप जिन्हें पढ़ते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म, सेकेंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट सिंपल फॉर्म, सॉरी, और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल आपकी क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एंड फोर्थ फॉर्म को आप कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना कि सेकेंड फॉर्म, सॉरी। तो नो रहा जो करेक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा नॉन, नॉन आपकी करेक्ट फॉर्म होगी, तो ऑप्शन राइट आपका होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस है द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ओके, तो इसे हमें क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है, तो किस तरह से इंटरचेंज हो रहा है, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज गुड इट इज टू बी ट्रू, द न्यूज इज सो गुड टू बी ट्रू। तो देख लीजिए यहाँ पर जो टू डॉट डॉट टू का यूज हो रहा है, इसको जब भी इंटरचेंज किया जाता है तो हमेशा सो डॉट डॉट दैट से किया जाता है, तो जहाँ पर टू लगा होता है वहाँ पर लगाते हैं सो, और दैट लगा के दूसरा एक क्लॉज को जोड़ दिया जाता है जो मोस्टली आपका निगेटिव सेंस देगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द फिल्म इज अबाउट अ स्पाई डैश बाई बिट्रेज हिम, ये आपका लिखा हुआ है क्लॉज, और आपका क्लॉज में है ये रिलेटिव क्लॉज। ओके, तो रिलेटिव क्लॉज में क्या होता है दोस्तों, मोस्टली आपको हु, हुज, हुम, विच, दैट, इनके यूज करने होते हैं।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्लॉज में देखेंगे द फिल्म इज अबाउट ए स्पाई, फिल्म एक स्पाई के बारे में, स्पाई पर्सन ही होगा कोई जिसकी पत्नी ने उसे धोखा, जो जिसकी पत्नी उसे धोखा देती है। तो यहाँ पर हमें पजेसिव केस भरना है, पजेसिव केस उसका होता है हुज, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हुज। तो आपका सी ऑप्शन होगा राइट, द फिल्म इज अबाउट ए स्पाई हुज वाइफ बिट्रेज हिम, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू मेक इट कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस तीन तरह के होते हैं आपके, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर पूछा जाए कि आपको क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ही थ्रू द स्टोन, उसने पत्थर फेंका, इट मिस्ड द डॉट, लेकिन ये डॉट को नहीं लगा। तो दोनों सेंटेंस कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब भी कोई काम एक दूसरे के अपोजिट होता है तो उसमें आपको बट कंजक्शन का यूज करना होता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन, ही थ्रू द स्टोन बट इट मिस्ड द डॉट, ही थ्रू द स्टोन एंड इट मिस्ड द डॉट, ही थ्रू द स्टोन येट इट मिस्ड द डॉट। तो यहाँ पर सिंपली है कि आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, द ही थ्रू द स्टोन बट इट मिस्ड द डॉट। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी और किस तरह के सेंटेंस लगे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि और भी आपको यूजफुल क्लासेस MP टेट प्राइमरी टीचर्स के लिए चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर कौन सी क्लास चाहिए। डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।